मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अपराधों का ग्राफ बढ़ा। लाख कोशिशों के बावजूद भी पुलिस नहीं लगा पा रही है बढ़ते अपराधों पर ब्रेक। जहां एक और मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय को बने हुए एक वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है, वहीं दूसरी ओर यहां के अपराधों में कोई गिरावट देखने नहीं मिल रही है। यहां के अपराधियों में पुलिसिया तंत्र का जरा भी खौफ देखने नहीं मिल रहा है। यहां के अपराधी आए दिन बेखौफो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते नजर आते हैं। यहां अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पहले तो वह खुले आम राहगीरों से लूटपाट करते नजर आते हैं और फिर यदि राहगीर उनका विरोध करे तो ये अपराधी उनकी हत्या करने से भी नहीं चूकते। ऐसा ही एक मामला विरार वेस्ट से सामने आया, जहां शुक्रवार रात करीब 11 बजे एक मामूली से पॉकेट मार ने एक 30 वर्षीय युवक की हत्या कर दी। पूरा मामला इस प्रकार है कि विलय पार्ले का रहने वाला 30 वर्षीय युवक हर्षल वैद्य नवरात्रि के पूजा में विरार अपने रिश्तेदार के यहाँ आया था। पूजा खत्म होते ही वह वापस विलय पार्ले जाने के लिए विरार स्टेशन रात करीब 11 बजे पहुंचा और टिकट खरीद ही रहा था कि तभी एक अज्ञात पॉकेट मार ने हर्षल वैद्य की जेब में से उसका पर्स मारा और भागने लगा, जिसके बाद युवक चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा और इस अज्ञात पॉकेट मार को विरार वेस्ट में स्थित श्रेय होटल की गली में धर दबोचा। चोर को पकड़ने के बाद युवक और चोर में हाथापाई होने लगी। उसी दौरान चोर ने एक धारदार हथियार से हर्षल वैद्य की छाती पर कई वार किए, जिसके वजह से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी दौरान वहां पर लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ लोगों की भीड़ ने चोर को तुरंत पकड़ के पुलिस के हवाले किया और कुछ लोगों ने जख्मी हर्षल वैद्य को पास के संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। फिलहाल विरार पुलिस ने आरोपी प्रदीप त्रिपाठी के खिलाफ लूट और हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मिरर ऑफ ट्रूथ से शिवानी दुबे की रिपोर्ट। ऐसी ही और नई खबरें देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।